नमस्कार, मैं रोहित और आप देख रहे हैं ट्रैवल द वर्ल्ड। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जहां हम बात कर रहे थे रीवा जिले के बारे में, अब हम आपको ले चलते हैं शहडोल जिले की ओर। और यदि इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। शहडोल जिला भारत के सेंटर में स्थित मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से एक है और यह जिला मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। जिले का गठन 1959 में हुआ था। पहले यह रीवा डिवीजन के अंतर्गत आता था, जबकि 12 जून 2008 को शहडोल को एक अलग डिवीजन बना दिया गया, जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, अनूपपुर, शहडोल एवं उमरिया। शहडोल शब्द सहस्त्र और डोल दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है हजारों तालाबों का समूह। और इस जिले का नाम सुहागपुर के शहडोल व अहिर गांव के नाम पर पड़ा। 6,205 वर्ग किलोमीटर में फैला शहडोल जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 23वां जिला है। और शहडोल जिले में बहने वाली प्रमुख नदी सोन नदी है, जिसका उद्गम अनूपपुर के अमरकंटक से हुआ है। गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश के रीवा और सीधी से बहती हुई पटना से नीचे गंगा नदी में मिलती है। इसी के साथ ही शहडोल सीधी, अनूपपुर, उमरिया, सतना और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। शहडोल जिले के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल से ही यहाँ हजारों तालाब थे, इस कारण इसे तालाबों की धरती के नाम से भी जाना जाता है। भारत को आज़ादी दिलाने में शहडोल ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। शहडोल स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है। और आपको बता दें, इसी जिले के सुहागपुर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोयले की खदान है। सुहागपुर कोयला खदान एशिया की सबसे बड़ी कोल फील्ड है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में यूरेनियम सिर्फ शहडोल जिले में ही पाया जाता है। और इसी जिले में स्थित है बाण सागर बांध, जो कि सोन नदी पर स्थित है, जो कि इस जिले के एक बड़े भूभाग पर सिंचाई और 435 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। सोन नदी के हिस्से में बसा शहडोल जिला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 486 किलोमीटर दूर तथा देश की राजधानी दिल्ली से 804 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह जिला 6 तहसीलों से मिलकर बना हुआ है। इसी के साथ ही इस जिले में एक नगरपालिका, 3 विधानसभा सीटें, 4 उपमंडल एवं 5 खंड हैं। और शहडोल जिले का पिन कोड 4847 76 तथा RTO कोड MP18 है। पॉपुलेशन की बात करें तो मौजूदा समय में इस जिले की कुल आबादी 12,47,720 के करीब है। वैसे साल 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो इस जिले की कुल आबादी 10,66,063 के करीब है, जिसमें पुरुषों की आबादी 5,40,021 के करीब तथा महिलाओं की आबादी 5,26,042 के करीब है। और इस जिले का औसतन लिंग अनुपात 974 है, यानी कि यहाँ प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या 974 है। इसी के साथ ही इस जिले की साक्षरता दर 66.67% के करीब है। इस जिले की कुल आबादी में से लगभग 6,04,194 लोग पढ़े लिखे हैं, जिनमें से पुरुष 3,48,761 पढ़े लिखे हैं तथा महिलाएं 2,55,433 के करीब पढ़े लिखी हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसके ज्यादातर जिले कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर करते हैं। ठीक उसी प्रकार शहडोल जिले की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर ही आधारित है। इसके अलावा इस जिले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन तथा बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो इस जिले में निवास करने वाले हिंदुओं की संख्या 9,97,073 के करीब है,
जो कि लगभग 93.53% के करीब है, और इस ज़िले में मुस्लिमों की संख्या 42,426 के करीब है, जो कि लगभग 3.98% है, और इस ज़िले में ईसाइयों की संख्या 2,372 है, जो कि लगभग 0.22% के करीब है, और इस ज़िले में सिखों की संख्या 912 है, जो कि लगभग 0.09% के करीब है, और यहाँ निवास करने वाले बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या 268 के करीब है, जो कि लगभग 0.03% है। शहडोल ज़िले में सड़क परिवहन की बात करें तो शहडोल ज़िला सड़क एवं रेल के माध्यम से मध्य प्रदेश के अलावा भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे संख्या 43 एवं 19 इस जिले से होकर गुजरती है। इसके अलावा कई छोटी छोटी सड़कों के माध्यम से बस एवं टैक्सी के जरिए इस जिले के गाँवों एवं शहरों की यात्रा की जा सकती है।